हेलो फ्रेंड्स, रविकांत टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आइडिया या वोडाफोन में एजेंट को कैसे ऐड किया जाता है, इसकी सारी प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों यहां पर यह भी बताऊंगा कि आइडिया में या वोडाफोन में एजेंट क्यों ऐड किया जाता है, तो इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों, आइडिया में एजेंट या वोडाफोन में एजेंट क्यों ऐड किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप एक रिटेलर हैं और आपके शॉप में आप काम करते हैं और वहां पर आपको किसी वजह से बाहर जाना होता है, तो आपके जगह पर आपका एजेंट वहां पर वर्क कर सकता है, जो कि रिचार्ज एक्टिवेशन, सिम एक्टिवेशन, ये सारे चीज़ वो कर सकता है ऐड करने के बाद में। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पता ही होगा, इसको ऐड करने के लिए आपको स्मार्ट कनेक्ट ऐप में जाना होगा। तो चलिए मैं स्मार्ट कनेक्ट ऐप पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही स्मार्ट कनेक्ट ऐप क्लिक करूँगा तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पर अपना पासवर्ड दे के आपको इंटर कर जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड देता हूँ तो ये ओपन हो गई है, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगी। इसको क्रॉस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस अपने होम स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ कोने पर देख सकते हैं 3 लाइन के यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मैनेज एजेंट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैनेज एजेंट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो एजेंट आपको कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने पर आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्लस के निशान पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस के निशान पर हम क्लिक किए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि दोस्तों आप किसी भी नंबर को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइडिया या वोडाफोन का ही नंबर यहाँ पर डालना है, आपके पास जो भी नंबर हो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास एक जियो का है, मैं उसको डाल देता हूँ उस नंबर को। जैसे उस नंबर को डालने के बाद में यहाँ पर सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये ओटीपी मैंने सेंड कर दिया है दोस्तों, और यहाँ पर वो ओटीपी आ गई है। तो चलिए मैं उसको कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ ओटीपी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देख करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको फ़ोटो भी कैप्चर करना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। इसके लिए अपना फ़ोटो आपको कैप्चर करने के लिए कल पलक झपकाएँगे तो वो फ़ोटो अपने आप कैप्चर हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, हमने पलक झपकाया और यह हमारी फ़ोटो कैप्चर हो गई। फिर यहाँ पर अपना साइज से लेकर के आपको क्रॉप कर लेना है, फिर यहाँ कोने पर जो क्रॉप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से फिल हो जाती है। अब यहाँ नीचे पल है और इसका मतलब AL और ACH और ARCH और सिमेक्स और सिमअप जो लिखा हुआ है, ये शॉर्ट आपको बताया गया है, जो कि दोस्तों ACT के मतलब होता है एक्टिवेशन, और ARCH का मतलब होता है रिचार्ज, और सिमेक्स का मतलब होता है जो कि लॉस हो गया या डैमेज हो गया, तो उसको आप उसमें सिमेक्स कर सकते हैं। और अब सिम आप जो लिखा हुआ है उसको सिम अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे 3G 2G 3G को 4G में अपग्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपके जो एजेंट है उसको आप सिम एक्टिवेशन या रिचार्ज से संबंधित यहाँ पर प्रोसेस करवाना है तो आप यहाँ पर वहाँ पर क्लिक कर दें सिम एक्टिवेशन और रिचार्ज पर। तो जैसे ही उस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो एक्टिवेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों वो सिमेक्स नहीं कर सकते हैं, ना कि 3G सिम को 2G सिम को 4G कर सकता है इस ऑप्शन से, तो ये दो ऑप्शन वो कर सकता है, सिम एक्टिवेशन और रिचार्ज। तो इसके लिए दोस्तों मैंने वो बॉक्स पर टिक कर दिया, उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन है आपका एजेंट कर सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ALL जो लिखा हुआ है, अगर सबको आपको उसको देना है कि सिम एक्स भी कर सके, यानी कि सिम अपग्रेड भी कर सके और रिचार्ज और सिम एक्टिवेशन, तो ये ऑल जो लिखा हुआ है इस पर आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और चलिए मैं यहाँ सब को सेलेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको अपना एजेंट का नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। ये नाम मैंने दे दिया है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा एजेंट जो है वो ऐड हो चुका है।
अब यहाँ सक्सेसफुली ये हो गया है। और यहाँ फिर से हम ये देख सकते हैं, हम चलिए वहाँ कोने पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैनेज एजेंट पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो रविकांत का हमने और जो नंबर हमारा था उसको हमने ऐड कर लिया है। यानी हम इस पर अब सिम एक्टिवेशन और रिचार्ज वगैरह सभी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सब चीज़ का एक्टिवेशन किया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको उस नंबर से लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, उस नंबर से आपको लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। जैसे कि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ स्मार्ट कनेक्ट को कनेक्ट सर्च करेंगे जैसे ही, तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है जो ओपन की जगह है, तो उस पर आप इंस्टॉल कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आप एजेंट ऐड करेंगे तो वो दूसरा ही मोबाइल पर चलाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल में तो चलाएगा नहीं, इसलिए यहाँ प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लें। अब दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ मेरे ही मोबाइल से, यानी कि उसी मोबाइल से दिखा रहा हूँ जो रिटेलर हूँ मैं, और उसी मोबाइल से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर डाटा मुझे क्लियर करना होगा, तो मैं सेटिंग में जा करके यहाँ ऐप्स पर जाऊँगा और मैनेज ऐप्स पर जाऊंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉगिन होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं अपने डाटा को क्लियर जब भी करूँगा तब जाके दूसरे जो सिम है उस पर मैं लॉगिन कर पाऊँगा। तो मैं उस अपने स्मार्ट कनेक्ट ऐप को देखता हूँ, यहाँ स्मार्ट कनेक्ट ऐप पर जा गया और यहाँ पर देखिए क्लियर डाटा है, इसको ऑल क्लियर डाटा को मैं क्लिक कर देता हूँ। ये ऑल मेरा डाटा जो है वो स्मार्ट कनेक्ट क्लियर हो गया है। अब वहाँ पर देखेंगे तो मेरा नंबर भी नहीं रहेगा और वहाँ पर मैं अपना लॉगिन कर सकता हूँ दूसरा नंबर से। ये केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप तो दूसरा में इंस्टॉल करेंगे, आप जहाँ पर वो इंस्टॉल करेंगे उसमें भी ये ऑप्शन आएगा। चलिए अलाउ अलाउ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, तो जैसे ही अलाउ पर क्लिक करेंगे ये इस तरह से नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं वो जो जियो का मेरा नंबर दिया था उसको मैं यहाँ पर डालता हूँ 260, और फिर गेट ओटीपी पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेती है ओटीपी। अब इसमें दोस्तों ओटीपी इसलिए ये रजिस्टर करेंगे क्योंकि हमारे पास लॉगिन करने के लिए तो नंबर नहीं होगा जब सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक नंबर बना लेते हैं जिसको लॉगिन करने के लिए, और फिर वही 4 अंक का है, उसको 4 2 बार आपको डालना है, और यहाँ पर फिर उस नंबर के साथ में आपको आ जाएगा। तो चलिए वो जो नंबर बनाए हैं उस पर लॉगिन करते हैं, उस नंबर को मैंने यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लिया है। इस तरह से आप आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर खुल गया है और ये सारा का सारा आपको खुल गया है। सभी चीज़ आप इसमें एक्टिवेशन से लेकर के जो करना चाहें वो सब चीज़ कर सकते हैं। इस तरह से एजेंट ऐड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या जो भी है वो सारा काम कर सकते हैं। इतना डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आती है समझने में तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप देखें सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।